हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरूके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो बात करते हैं मैच हमारा 13 जो कि खेला जाएगा होवर्ड हुरिकेन्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। तो सुपर सैटरडे का यह सेकंड मैच होगा। होवर्ड टीम को लास्ट मैच में पर्थ स्कॉचर ने 9 विकेट से हरा दिया था, वहीं रेनेगेड को भी लास्ट मैच में 20 मिनट ने हराया था। दोनों टीम में से अभी तक एक भी मैच जीत नहीं पाए। अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो जहां पर रेनेगेड टेबल नंबर 5 पे स्टेबल है, तो होवर्ड हुरिकेन्स नंबर 7 पे स्टेबल है। यह मैच होवर्ड के वैलिडेबल ओवल में मैच खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 70% रहेगा, टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे विनिंग परसेंटेज देखें तो जहाँ पे फर्स्ट बैटिंग का 57% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग में फर्स्ट 41% जीतने का चांस है। अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 165 है, वहीं सेकंड इनिंग का 146 है। अब बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 5 मैच के अकॉर्डिंग। जहाँ पे होवर्ड हुरिकेन्स 3 मैच जीत के आ रही, तो मेलबर्न रेनेगेड्स 2 मैच जीत के आ रही है। बात करते हैं पहली टीम होवर्ड हुरिकेन्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम लगातार 2 मैच हार गई है और पॉइंट टेबल में बॉटम पे है। टीम अभी तक डिपार्टमेंट में फ्लॉप चल रही है। लास्ट गेम में टीम में लीडिंग डिफेंडिंग चैंपियन पर्थ स्कॉचर्स ने 9 विकेट से हरा दिया। फास्ट बॉलर की बात करें जहाँ पे नाथन एलियट जो कि टीम के कैप्टन है, बैटिंग में क्रिस जॉर्डन टीम के हाईएस्ट रन गेटर है, 2 मैच में 75 रन उन्होंने बनाए। उसके अलावा स्लिप जेवेल जो 2 मैच में 54 रन बनाए। बॉलिंग में टीम लास्ट गेम में बुरी तरह पिट गई थी, टीम बस 1 विकेट ही ले पाई। ऑलराउंडर की बात करें तो कोरिया डर्सन जो अब तक 2 मैच में 2 विकेट लेकर लीडिंग विकेट टेकर है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे सेलिप जेवेल है, बेन डरमेट है, सैम हैन है, टीम डेविड, कोरिया डर्सन है, निखिल चौधरी, मिचेल ओवेन, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डूडिल, नाथन एलियट जो कि कप्तान है, बिली स्टेकनेल। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहाँ पे सेलिप जेवेल जो कि एक बैट्समैन है, बात करें तो जहाँ पे 10 मैच खेल के आ रहे हैं जिसमें 261 रन बनाए, एवरेज 26 है। वहीं दूसरी प्लेयर की बात करते हैं जहाँ पे टीम डेविड है, 10 मैच है, रन 232 बनाए, एवरेज 33 है। रिली मेरिडिथ तीसरे प्लेयर जो कि एक बॉलर है, मैच 9 है, विकेट 10 है और इकोनॉमिक 7.70 की है। अब बात करते हैं दूसरी टीम मेलबर्न रेनेगेड्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं जिसमें से पहले मैच उसे सिडनी सिक्सर्स से हार मिली थी, दूसरा मैच पिच कंडीशन के चलते कैंसिल हो गया था और थर्ड मैच में ब्रिस्बेन ने उससे हराया। अब तक टीम का खाता नहीं खुला। ओपनिंग में बात करें तो जहां पर कैप्टन डी कॉक एंड जॉय कलर की जोड़ी लास्ट मैच में फ्लॉप थी, एरन फिंच भी फ्लॉप चल रहे हैं, जैक फ्रेजर जो लास्ट मैच में 23 बॉल में 55 रन बनाए। ऑलराउंडर की बात करें तो जहां पर विल सुंदरलैंड टीम के लिए प्लस पॉइंट है, टीम की स्पिन बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है जिसमें मुजीबुर रहमान है, एडम जंपा है। अब इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे डी कॉक है, जॉय क्लर्क है, जैक फ्रेजर, निक मैडिसन जो कि कप्तान है, एरन फिंच, जोनाथन वेल्स, विल सुंदरलैंड, टॉम रोवर्स, मुजीबुर रहमान, एडन जंपा और केन रिचार्डसन। अब बात करते हैं इनके कुछ की प्लेयर देखते हैं, जहां पे एरन फिंच जो कि एक बैट्समैन है, 10 मैच खेल के आए, रन 225 है, एवरेज 32.4 है। दूसरी प्लेयर की बात करें तो विल सुंदरलैंड जो कि ऑलराउंडर है, 10 मैच खेले हैं, रन 180 है, एवरेज 45 है। तीसरी प्लेयर की बात करें तो जहां पे केन रिचार्डसन जो कि एक बॉलर है, 7 मैच खेल के आ रहे हैं, विकेट 8 लिए हैं, इकोनॉमिक 8.11 है। दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं दोनों टीम की बात करें तो दोनों टीम इस समय बहुत स्ट्रगल पे नजर आ रही है, दोनों टीम को यहाँ पे विन दर्ज करना होगा। अब बात करते हैं अपने अकॉर्डिंग आज का मैच विनर कौन होगा, तो हमारे अकॉर्डिंग मैच विनर मेलबर्न रेनेगेड्स हो सकता है। यहाँ पे होवर्ड हुरिकेन्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।